नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक टॉनिक के बारे में जो कि SBL कंपनी बना रही है और जिसका नाम है अल्फ अल्फा टॉनिक। दोस्तों, ये टॉनिक जो है अल्फ अल्फा टॉनिक, ये आपकी जो बॉडी की हेल्थ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अल्फ अल्फा टॉनिक जो है इसके अंदर साथ ही जिनसेंग मेडिसिन है एक, जो कि चाइना में एक प्लांट उगता है उससे बनी हुई है। ये भी जो है आपके हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल होती है। आइए जान लेते हैं कि ये जो टॉनिक है ये कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है और ये किस किस होम्योपैथिक मेडिसिन से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपको भूख कम लगती है तब हम इस टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जो है आप बिल्कुल पतले होते जा रहे हैं डे बाय डे तब आप इस टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है या आप बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हैं तब आप अल्फा अल्फा टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो अल्फ अल्फा टॉनिक है इसके अंदर बहुत से विटामिन्स हैं और बहुत सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको हेल्दी बनाए रखती हैं। ये जान लेते हैं कि अल्फ अल्फा टॉनिक जो है वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से बना हुआ है। दोस्तों, ये अल्फ अल्फा टॉनिक जो है ये जिनसेंग मेडिसिन के साथ आता है और ये SBL कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें डली है अल्फ अल्फा मेडिसिन, उसके बाद इसमें है अवेना सटाइवा, जिनसेंग, सिंकोना ऑफिशनलिस जिसे कि हम चाइना भी बोलते हैं, या उसके बाद है हाइड्रस्टिस कैनेडेंसिस, कालीफॉस, काली आर्सनिकोसा, फेरम एसिटिकम, कैल्केरिया फॉस। दोस्तों, अगर हम अल्फ अल्फा की बात करें तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करवाती है। कैसे? जब आप खाना खाते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब ही नहीं होने देती, यानी कि जितना कोलेस्ट्रॉल आपने खाया है उसको आप इंटेस्टाइन से बाकी बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचा पाते क्योंकि आप अल्फ अल्फा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका फालतू वेट गेन नहीं होता है। आपकी बॉडी एक बैलेंस बना लेती है, यानी कि जितना वेट आपको ज़रूरी है उतना ही रहता है, फालतू नहीं होता या कम नहीं होता। जब कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर फालतू एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, यानी कि आपको भूख अगर कम लगती है तो आपको ये खाने से अल्फा टॉनिक ले लेने से भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी डाइट जो है वो और अच्छे से इम्प्रूव होगी। तो अगर अब आपका वेट कम है क्योंकि भूख ना लगने की वजह से आपका वेट कम हो चुका होता है तो आपकी अल्फ अल्फा लेने से जो है भूख ज़्यादा हो जाएगी और आप डाइट जो है ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर जैसा कि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं दे रही शरीर में तो आप मोटे नहीं होंगे, जो आप अनहेल्दी हो जाते हैं, ओबीज हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। आपकी जो एक हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, ना वो बिल्कुल पतले में आएगी ना वो बहुत मोटे में आएगी। दोस्तों, अगर इसकी डोसेज की बात करें तो अडल्ट जो हैं वो इसका 10 ml तक ले सकते हैं और जो बच्चे हैं वो इसका 5 ml तक ले सकते हैं, ताकि उन लोगों की भूख जो है वो लगनी शुरू हो जाए और फालतू कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट ना हो और आपकी जो हेल्थ है या जो आपका वेट है वो बैलेंस रहे। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि किन किन लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उनको इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये जो दवाई है ये आपके ईस्ट्रोजन की तरह काम करती है और प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो ईस्ट्रोजन आपको ज़्यादा नहीं लेने हैं तो आप इस दवाई का सेवन नहीं करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं तब भी आपको इस दवाई का सेवन नहीं करना है, और अगर आपकी वेफरिन मेडिसिन चल रही है जो कि आपका खून पतला करने के लिए है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपको इस दवाई का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही दोस्तों, जिन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उन लोगों को भी ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है, इसलिए कई बार दवाई जो है वो कुछ लोगों में देनी होती है, कुछ में नहीं देनी होती है, या किसी में देनी होती है तो उसकी डोसेज आपको डिसाइड करनी पड़ती है, या कई बार क्या होता है कि आप ये दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं पर उसके साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे या परहेज़ करने पड़ेंगे, तो इस वजह से जो है डॉक्टर की कंसल्टेशन जो है ज़रूरी हो जाती है। आप खुद से अपनी मेडिकेशन ना करें। अगर आप कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।